तो आपको आपके पांच क्लोज फ्रेंड्स बदलने पड़ेंगे। क्या पांच सक्सेसफुल लोग अचानक आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनने को तैयार होंगे? नॉट रियली, इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस। लेकिन एमवे बिजनेस के साथ एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी है, बाहर वो पॉसिबिलिटीज भी नहीं है, राइट? जी टू में एज ब्रोक स्टूडेंट्स चालू हुए थे, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। हमारी शादी होने के बाद भी हमारे खुद को एक फ्लैट लेके रहने का भी हमारे पास पैसा नहीं था, वो भी हम शेयर करते थे क्योंकि हमको इस बिज़नेस को बिल्ड करना था। हमको सारे पैसे हमारे फ्लैट के लिए यूज़ नहीं करने थे। मैं खरीदने की बात नहीं करूँ, मैं रेंटिंग की बात करती हूँ। यू नो, मैंने आज तक ऐसे एग्जाम्पल्स देखे नहीं है, यू नो, जिन्होंने ऐसी चीज़ें की। लेकिन अभी हमको समझ में आता है कि लोग ऐसी चीज़ें नहीं करते। जब हम कर रहे थे हमको लगा वो नॉर्मल ही है। द रीज़न हमने खुद का अपार्टमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको 300 PP एवरी मंथ करने थे, उसमें इन्वेस्ट करना था। अगर हम 300 PP नहीं करते तो आराम से अपार्टमेंट अपने आप के लिए रेंट कर सकते। लेकिन वो जस्ट अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट प्राइस वी हैड टू पे, ओके? आफ्टर दैट व्हाट, नाउ वी हैव एन अमेजिंग हाउस, यू विल सी इन द स्लाइड्स एंड ऑल। लेकिन तब मैं और जी को सोचते थे कि नहीं, हमको अपना प्राइवेसी चाहिए, अच्छा चाहिए, हमारी अभी भी शादी हुई। और 300 PP अगर नहीं करते थे तो आज मैं आपके सामने खड़ी भी नहीं रहती थी। I would be very, very honest, you know. So that is very, very important. Show the plan, series books, I already talked about it, you know. Second is, we build this business with honesty. You know, a lot of people बोलते हैं कि मैं, you know, नए especially लोग, कि मैं products नहीं use करूँगी, लेकिन मैं जाके किसी और को बोलूँगी कि ये products बहुत अच्छे हैं। And फिर वो आपके बोलते हैं कि कोई आगे नहीं करना चाहता, you know. तो आपके साथ ऐसा होता है? ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट छोड़ दो उनको, राइट? बिकॉज इस बिजनेस इज बिल्ड ऑन ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट हैं, ये सब एमरल्ड्स और डायमंड्स आप देख रहे हैं, उन्होंने ऑनेस्टी के साथ बिजनेस बिल्ड किया है। इसलिए सो वी विल बिल्ड अ सेट एंड बिल्ड दिस बिजनेस विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। मुझे बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा कि मैंने आज स्टेज पर क्या बोला, क्योंकि सारी बातें मेरे दिल से है। अगर आज मैंने मैनिपुलेट करके आपके सामने जो भी बात की होगी तो मुझे 10 साल के बाद उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता था, क्योंकि सब कुछ मैनिपुलेशन के बेसिस पर मुझे बात करनी। इस बिज़नेस में जो करते हैं वो ही सिखाते हैं। अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे ये माइक होल्ड करने का बिल्कुल राइट नहीं है आज, यू नो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, यू नो। अगर आपका बिजनेस आगे पीछे हुआ है, इट इज़ ओके, यू स्टैंड अप टॉल एंड बिल्ड इट अगेन, इट डजंट मैटर। बट डोंट बी डिसऑनेस्ट और इंटीग्रिटी के साथ बिजनेस बिल्ड करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड काउंसलिंग एंड टेक्नोलॉजी, काउंसलिंग क्या, काउंसलिंग शीट्स यहाँ पे होते हैं, काउंसलिंग अपलाइन के साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम बिगनिंग ऑफ द मंथ निकाल के गेम प्लानिंग करना है कि इस बिजनेस को आगे क्या बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। मैं बहुत क्राउन्स है US में, एक्चुअली हम सारे उनके टीम में आते हैं, जोड़ी विक्टर करके उनका नाम है, वन ऑफ द फर्स्ट 5 फैमिलीज जिन्होंने आगे चालू किया। एक बार मुझे उनके साथ बात करने का मौका मिला तो वो बोल रहे थे कि अगर आपको आपके दिमाग से सोचना पड़ रहा है तो दैट इज़ द बैड लक, बिकॉज आपका दिमाग ने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है और आपका दिमाग इसके लिए सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकता, इसलिए अपलाइन है। इट इज़ अ गुड लक कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है जो सोल्यूशन ढूंढ सकता है। आपको सिर्फ हेल्प पूछने की जरूरत, हेल्प मांगने की ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं मांगेंगे तो सालों साल सेम पे लेवल पे ही बैठे रहेंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेट अप दैट काउंसलिंग सेशन एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ एंड गेट दैट इन्फॉर्मेशन। मैं और जी को 5 आवर्स 5 घंटे एक डायरेक्शन में ड्राइव करके जाते हैं कुमार रंजन का, 1 घंटा टाइम देने के लिए। दैट्स हाउ काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हमको आने जाने में 10 घंटे भी लगे, वो 1 घंटे की काउंसलिंग के लिए हम वो लेने को तैयार है क्योंकि हमारी ज़िंदगी उस पर निर्भर है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मुझे डर लगता है फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ऐसी सब चीज़ों का। बट यू नो वॉट, आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको टीम बनाना है तो इट डजंट मैटर। आप डर से थोड़ा बाहर निकलिए, सीखिए, अप्लाई का हेल्प कीजिए। यू नो, बिल ग्रेट 83 ईयर्स ओल्ड थे, ओके, बिफोर ही पास करे। उन्होंने कभी आईपैड देखा भी नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि कैसे ऑपरेट करने का है। फिर भी जिस तरीके से बिल ग्रेट थे वो ऑपरेट करने की कोशिश करते ही थे। अगर बिल ग्रेट कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? वो 83 ईयर ओल्ड थे, ओके, दैट इज़ बिकॉज यू आर जस्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, अब अपने शहर से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं, तो वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट दो चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ, उसके बाद हम स्लाइड शो भी दिखा देंगे, इज़ स्पोकन वर्ड्स, स्पेशली औरतें। ये प्रॉब्लम इतना मर्दों में आपको दिखाई नहीं देगा, आप क्या बोलते हो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो हमारे बिजनेस में बार बार हम सिखाते रहते हैं, लेकिन समहाउ बहुत साल लग जाते हैं किसी को सीखने में, क्योंकि मेरे साथ लाइक लोग बोलते हैं मैं तो बहुत लेजी हूँ,
मैं तो बहुत लेजी हूँ, मेरे से तो ये नहीं होता है करके, हमारे घर में तो हमेशा की यही प्रॉब्लम है। और आप इन रियलिटी देखेंगे तो क्या है, वो लेजी बन चुके हैं, उनके घर में वही प्रॉब्लम है। यू नो पीपल लिव एट द लेवल एट दिस पीक, स्पेशली औरतें, हमको दिल में जो है ना वो बोलना ही है उसी वक्त, ओके। एंड इट इज सो सैड क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं उसी लेवल पे अपना जिंदगी रहता है। यू नो बिल्फ्रेड का बुक जो आया था ना अभी, आयरन मैन सिल्वर मैन, उसमें एक फ्रेज है कि आप किसी का जिंदगी आज कैसे बात कर रहे हैं आप दिखाओ, मैं 5 साल के बाद उनका लाइफ कैसे है बताऊंगा। क्योंकि आज जो आपका लाइफ है, क्योंकि 5 साल पहले आप यही बातें करते रहे। यू नो यू स्पीक लाइक अ चैम्पियन, इट डजंट मैटर कि आपके बिजनेस में आज कौन है, यू स्टार्ट स्पीकिंग। यू नो कि और शार्प यंग कपल्स सिंगल्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, सभी लोग हमारे ग्रुप में 300 टीवी करते हैं, सभी लोग स्टैंडिंग ऑर्डर पे हैं, सभी लोग एसोसिएट कर रहे हैं, यंग एनर्जेटिक पीपल हमारे टीम में है, एक्साइटेड है, डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, सारी कंट्रीज में हमारा टीम बढ़ रहा है। आप बोलते रहिए बार 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 बार। यू नो ये बोलने से क्या होता है, सबसे पहले आप सुनते हैं, और तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो वॉट, अभी बैठे बैठे आपका माइंड, आप मुझे सुन रहे हैं लेकिन 100 अलग थॉट्स है, 100 थॉट्स आपके दिमाग में लगे, वाइल्ड थॉट्स रन कर रहे हैं, ओके। मेरे साथ ये रोज होता है, तो मैंने वो पकड़ लिया कि तेरे दिमाग में ऐसे घोड़े की तरह थॉट्स भागते रहते हैं, तो मैं रोटी बना रही हूँ या कार ड्राइव कर रही हूँ, एज सून एज मेरा माइंड किसी के बारे में कुछ सोचना चालू कर देता है, मैं अपना गोल्स बात करने लग जाती हूँ। और शाम ये एक्सरसाइज करने से मुझे अच्छा फील होता है, लोगों के बारे में नेगेटिव सोच के या बात करके आपको अच्छा फील नहीं होता है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, भले वो सच हो, किसी ने आपके साथ कुछ किया है, अच्छा बिहेव नहीं किया है, घर में कुछ अच्छा नहीं, लेकिन उसकी वजह से आपको एनर्जी नहीं आती है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हाट आई